नमस्कार, मैं हूं कोमल जौहर, आप मेरे साथ देख रहे हैं वीके न्यूज। बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर देखिए, जहां हिजबुल मुजाहिदीन को आतंकी करार दिया था और सेना ने उसे मार गिराया था। आज उनके अब्बा ने एक ऐसा काम किया है जो कि सभी आतंकवादियों को जवाब देने के लिए काफी है। अब आपको हिजबुल मुजाहिदीन की आतंकी बुरहान वानी तो याद ही होगी। जी हाँ, वही जिसे 6 जुलाई 2016 को भारतीय सेना ने मार गिराया था, जिसके बाद इस्लामी कट्टरपंथियों ने उसकी अंतिम यात्रा निकाली थी, जिसमें भारत विरोधी नारे लगाए गए थे और हजारों लोग जुट गए थे। ये तो बात थी पुराने जम्मू कश्मीर की, पर अब बुरहान वानी के अब्बा मुजफ्फर वानी ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। मुजफ्फर वानी द्वारा तिरंगा फहराने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ये नया जम्मू कश्मीर है जहां अब आतंकियों की अंतिम यात्राएं नहीं निकाली जाती साहब, और जहां श्रीनगर का लाल चौक भी तिरंगे से जगमगाता है, जहां आतंकियों का सफाया होता है और आम लोगों की मदद की जाती है। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने जा रहा है और जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। ऐसे में आतंकियों और अलगाववादियों के लिए वहां कोई जगह नहीं है। बुरहान वानी के अब्बा मुजफ्फर ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक स्कूल में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेते हुए रविवार को ध्वजारोहण किया। फिर उन्होंने राष्ट्रगान जनगण मन भी गाया। मुजफ्फर वानी त्राल के सरकारी कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। दक्षिण कश्मीर में जब आतंकी बुरहान वानी को मार गिराया गया था, तब इस्लामी कट्टरपंथियों के 5 महीने तक राज्य में हिंसा की थी। तब 100 से अधिक लोग मारे गए थे और काफी लोग घायल हुए थे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सभी शैक्षिक संस्थानों और शिक्षा विभाग से जुड़े दफ्तरों में तिरंगा फहराया जाना है। कई लोगों ने बुरहान वानी के अब्बा मुजफ्फर वानी द्वारा तिरंगा झंडा फहराए जाने पर प्रतिक्रिया भी दी है। डॉक्टर विनायक दुबे ने लिखा है, बय बीनू होइन प्रीति, ऐसे भगवान श्री राम ने कहा है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि 2014 से यही बदलाव हुआ है और ऐसे ही आगे कश्मीर बदलता रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़।